दोस्तों ये है वो मुर्गी जो न्यू में जो लेके आया हूँ, चेक करें दोस्तों। मैं हाथ में पकड़ के आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता, वायलेशन का बहुत ज़्यादा मसला बनता है इस वजह से। आजू 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 बाहर आजू। ये है दोस्तों हमारा मुर्गा, चेक करें। ओ भाई तो कैसे देख रहा है, फाइट करने के फुल मूड में है। तो फिजान काम कर रहा था केज बनाने का, तो फिजान हो गया, काट लिया सारा, बस थोड़ा सा जाते हैं। मैंने कहीं प्रेम कर दिया। फाइनली दोस्तों हमारा ये वाला केज जो हमारा है ना बनने में बनना स्टार्ट हो चुका है फाइनली। ये दरवाज़ा जो है ना थोड़ा सा ना ख़राब हुआ पड़ा था, ये केज छत के ऊपर जो है ना केज की छत के ऊपर सेट करना है जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट टाइम हमने ना दरवाज़ों को कलर वगैरह किया था, तो लास्ट टाइम किया था, हाँ लास्ट टाइम में हम डब भी लेके आए थे, मेल डब जो एक्सचेंज करके। और लास्ट टाइम जो है ना कि दरवाज़ों को कलर वगैरह किया था वो भी कर लिया फाइनली। भाई हमारे आस्ते आस्ते काम जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं। आज हमने ना केज जो है ना बनाना स्टार्ट कर दिया पिजन्स वाला। इधर ही हम मैं सोच रहा हूँ ये हाथ इसकी चेक करें। हमने सुबह से काम कर रहे हैं, पहले सारे सेटअप किए अच्छे से, सफाई सारे सेटअप की अच्छे से सफाई वगैरह करके उसके बाद हमने ये केज बनाना स्टार्ट कर दिया। जो इधर हमारा इधर वाला जो केज है ना, तो छोटी छत पे जो है इधर हमने ना पिजन्स वगैरह रखने हैं, तो इधर हम इस केज को ना रेनोवेट करके अच्छे से बना के तो इसमें पिजन्स सेट करते हैं, शिफ्ट करते हैं। फिलहाल आज जो सरप्राइज़ है वो भी आप मैं आज दिखाता हूँ। तो आज मैं थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। काफ़ी नायाब दो चीज़ें लेके आऊँ, एक मुर्गा जो है वो हमारे पास ही हमारा ही था, जो मैं किसी दोस्त के घर छोड़ के आया था, तो मैंने कहा सरप्राइज़ है वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो मुर्गी भी लेके आऊँ, काफ़ी नायाब और काफ़ी नस्ली मुर्गी है, तो आपने बताना है वो मुर्गी कैसी लगी। आपने मुर्गी देखकर बतानी है मुर्गी कैसी है। तो फ़िलहाल अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो मुर्गी जो न्यू में जो लेके आया हूँ, चेक करें दोस्तों। मैं हाथ में पकड़ के आपको अच्छे से दिखा नहीं सकता, वायलेशन का बहुत ज़्यादा मसला बनता है इस वजह से। तो आपको ना आपको इसका फेस दिखाता हूँ, इसका पाँव का म्यार इतना अच्छा भाई साहब, बहुत ही ना भाई साहब नस्ली मुर्गी है ये। तो इसको प्यास लगी हुई है, तो अभी मैं मुर्गा भी आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी दिन से हमारे सेटअप से गायब रहा है। वो मुर्गा मैंने केज के अंदर बंद करके रखा है, तो फिजान ने कहा यार सेटअप पर ले आओ, यार सेटअप पे काफ़ी ज़रा कम परिंदे हो गए है ना फिजान, तू नहीं कहा था ना, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही सेटअप पर। तो फिलहाल हमारा सेटअप बिल्कुल खाली हो चुका था, इस वजह से मैंने अब पेट्स ऐसा ऐसा बढ़ा रहा हूँ। तो पिजन्स भी हमने लेके आना, पिजन्स मैंने सेल कर दिए थे, अब घर वालों को राज़ी करके आपको कहा था मैंने, इसलिए इस वजह से सेल किया क्योंकि घर वाले नहीं मानते पिजन्स रखने में। कबूतर जो है ना घर वाले नहीं रखने देते, क्योंकि भाई साहब हम उड़ाते हैं, ये गंदा शौक के कहते हैं ये नहीं रखने, बाकी और जो मर्जी चीज़ें रख लो। फिलहाल मुर्गी मैंने आपको दिखानी थी, चेक करें। ये है दोस्तों भाई साहब बहुत ही लेवल की मुर्गी। दोस्तों आपने बताना ये आपको मुर्गी कैसी लगी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अब मैं आपको मुर्गा जो है बाहर निकाल के केज से बाहर निकाल के दिखाता हूँ। आजू 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 बाहर आजू। ये है दोस्तों हमारा मुर्गा, चेक करें। ओ भाई दोस्तों आपने बताना है आपको कैसे लगे ये। तो मुझे तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये मुर्गा। हाँ फिजान सही है कि नहीं ठीक। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मसला पेश आ रहा है, अब हम इसे लेके आए हैं ना, तो हमारे जो दूसरे वाले दो मुर्गे हैं घर में वो देखे उनको मैंने बंद कर दिया, तो यार एक बार भी ये बाहर खुल गए ना तो भाई साहब काफ़ी ज़रा मसला बनेगा। और अब ये है ना ये देखिए इधर आ गया, तो कैसे देख रहा है, फाइट करने के फुल मूड में है। तो दोस्तों ये हमारे घर का पट्टाई जो है ना बना था, जो हमने चूजा दिया था अभी इसे हमने इसे बड़ा किया था। ये देखिए अब आपने इसका अच्छा सा नाम बताना है, तो आप और आपने बताना है आपको ये मुर्गा कैसा लगा। जो मुर्गे बेकार होंगे ना वो हम सेल कर देंगे, और मुर्गे इतने ज़्यादा दिखाने भी नहीं हैं, बस आपको मैंने सिर्फ दिखाने थे। फिलहाल मुर्गी बहुत भाई साहब काफ़ी नस्ली है, तो नायाब भी है, तो इस वजह से तो आपने प्राइस भी बता देनी है इन दोनों की, कितने तक हो सकती है, फिर मैं इनको सेल कर दूँगा। तो बस आपने बस बताना ये कैसे हैं, चेक करें।
दोस्तों हमारे जो चीक्स हैं ना अब माशाल्लाह से सभी एक्टिव है, एक चीक्स भी हमारा बीमार नहीं है। चूज़ा ये देखिए भाई साहब सभी एक्टिव है। तो अब मैंने भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपकी दवाओं की वजह से, आपकी दवाओं और आप मेरी मेहनत की वजह से ये देखिए सभी एक्टिव है। दुआ करें इन ये सभी बड़े हो जाएंगे तो भाई हमारा सेटअप जो है ना फुल हो जाएगा। तो ये जो चीक्स है ना, जो हम जो अभी मुर्गा लेके आए हैं इसी मुर्गी के साथ ना, ये हमने न्यू वाला मुर्गा लगाया था जो आज लेके आए हैं। ये मुर्गा ये इनका बाप है, ये सभी चूज़ों का ना ये मुर्गा बाप है ये वाला है ना यार। तो ये सभी चीक्स जो है ना बच्चे हैं इनके ही, इस मुर्गे के हैं। तो फिलहाल ये कैसे बच्चे निकलेंगे, बड़े हो गए किस तरह के बनेंगे, माँ पे जाएंगे या बाप पे बता। बाप ने छुट्टी की, कितने महीने की छुट्टी ली बाप ने? एक माँ की ना गायब रहा, छुट्टी लेके चला गया है। तो फिलहाल देखे तो अब मुझे नहीं लगता बाप पे कितने जाते हैं, माँ पे 5 के करीब जो है ना ब्लैक चूज़े निकले हैं। अब हमारे पास 10 के करीब चूज़े हैं, अब बड़े बड़े चूज़े हैं। अब मैं अभी आह कर करता हूँ तो सभी आएंगे मेरे पास। किस तरह आ गए भाई साहब, सभी चीक्स बड़े हो गए ना तो भाई हमारा सेटअप जो है ना फुल हो जाएगा। बस आपने दुआ करनी है कि सभी बीमारी ना आए और कोई मसला वगैरह ना पड़े। तो इंशाल्लाह से मैं आपको, अब तो अपना हमारा सेटअप फुल हो जाएगा तो हमारा काम जारी है। तो केज बनाने का, ये जो केज है ना हमने बनाना स्टार्ट कर दिया, इसमें मुर्गा या मुर्गी रखेंगे नहीं तो पिजन्स। मैं पिजन्स वाला केज जो है ना इसको जब मैं अच्छा सा बना लूँगा फिर आपको दिखाऊँगा। अभी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी केज की छत भी डालनी है। फिलहाल यही करना है ना, काफ़ी ज़्यादा फिजान थक गया, सुबह से काम कर रहे हैं हम, सुबह से फिजान ने ज़्यादा काम किया, मैंने नहीं इतना ज़्यादा किया। तो बस आपने फिजान के लिए एक लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। तो फिलहाल दोस्तों इधर से अंदर जो गंदगी वगैरह मची हुई थी ना सारी इस अंदर से गंदगी वगैरह निकाली है। इस केज को हमने ना छत वगैरह डाली है लेकिन इससे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है इसके अंदर बिल्ली भी जा सकती है। तो इतना अच्छी नहीं लग रही यार भाई साहब, इतनी ज़्यादा मेहनत भी की है। अब ये देखें कितना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है, अभी ना शाम का टाइम हो गया। तो सुबह के टाइम हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, फिलहाल हमने वीडियो को स्टॉप करके रेस्ट किया, फिर उसके बाद वीडियो को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों केज जो है ना इंशाल्लाह से इसको सेट वगैरह करते हैं और इसके अंदर पिजन्स वगैरह रखने हैं। फिलहाल पिजन्स को जो है ना हमारे कबूतर वगैरह उनको निकालता हूँ बाहर, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों पिजन्स मैं पकड़ रहा हूँ बाहर, वो एक फीमेल जो है ना वो निकालने, इस फीमेल के लिए ना हमने ये मेल मंगवाया था। तो मुझे नहीं लगता ये मेल है, उस दिन जिस दिन से लेके आया ना उस दिन से ना ये गुटका नहीं है, मस्ती वगैरह नहीं की। तो आप समझ सकते हैं डब के साथ यही मसला बना था। तो उधर मुर्गे वगैरह जो है ना लड़ पड़े थे, अभी मैंने मुर्गों को छुड़वा के और फिर मुर्गा उस साइड पे जा रहा है। पकड़ी ला यार, इधर पकड़ ला, इधर पकड़ ला। अभी मुर्गे जो है ना लड़ पड़े थे, तो दाना वगैरह डाला भाई साहब काफ़ी देर डाला, अंधेरा हो चुका, अंधेरा होने के करीब ही है बिल्कुल। फिलहाल इनको बंद करते हैं, फिलहाल मैंने आपको अच्छे से दिखाना था दोस्तों शोंग करें। फीमेल का, फीमेल ही है, मेल नहीं है, मेल निकला है, फीमेल निकला है भाई इसके लिए, भाई मेल मंगवा लेंगे। अब हम दो मेल मंगवाएंगे और दोस्तों एक बिग सरप्राइज है, वो इंशाल्लाह से थोड़े इंशाल्लाह से दो तीन दिनों तक ना, काफ़ी देर हमने ना चीज़ें परचेज करनी है, वो आ जाएंगी दो तीन दिनों तक। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो आप कैसे लगी आपने नाम भी बताना है, क्योंकि हाँ यार मैं काफ़ी ज़्यादा, आज हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है, हमारी मेहनत को आपने लाइक लाजमी करना है। तो आपने अपना प्यार वगैरह भी दिखाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।